सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है टॉप 16 बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग वेब सीरीज एंड मूवीज जो OTT पे रिलीज होने जा रही हैं अगले कुछ हफ्तों में, जिसमें से आप एक भी सीरीज या मूवी मिस नहीं करना चाहेंगे। 16 की 16 बेस्ट वाली है। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना lockdown.entertainment33 पे, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी एक खुशखबरी है आपके लिए कि लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की पहली वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जिसपे आपको सारी वीडियोस और जो भी वीडियोस हैं उनकी सारी लिस्ट देखने को मिलेंगी, जिस वेबसाइट का नाम है lockdownentertainment33.wordpress.com। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की। नंबर 16 पे है अल्ट बालाजी की क्राइम थ्रिलर डार्क कॉमेडी हिंदी वेब सीरीज गिरगिट, जो 27 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है, जिसका ट्रेलर अभी अभी YouTube पे रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी में हमें अपहरण और बिच्छू का खेल सीरीज जैसी फीलिंग आने वाली है, जिसमें कॉमेडी, एक्शन, क्राइम सब एक साथ देखने को मिलेगा। और हाँ, वो वाला भी जिसके लिए अल्ट बालाजी मशहूर है, मेरा मतलब चुमा चाटी। तो देखते हैं ये सीरीज चुमा चाटी के साथ साथ अपहरण जैसी फीलिंग दे पाती है या नहीं। अपनी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें 10 साल दिए। नंबर 15 पे है मार्वल्स की सुपर हीरो मूवी शैंग-ची, जिसके हिंदी डब का बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, और उन बहुत सारों में से 3-4 ने मुझे कमेंट में भी पूछा कि कब OTT पे आ रही है। तो उन 3-4 जानों और बाकी सबको बताने के लिए आया हूँ, शैंग-ची मूवी 12 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब में रिलीज होने जा रही है। यह मीन्स अभी से लेके एक महीने बाद। मैं जब ये पोशाक पहनता हूँ, मैं कई सारे दुश्मन बना लेता हूँ। नंबर 14 पे है मार्वल्स की ही एक और हिंदी डब वेब सीरीज हॉक आई, जिसको डायरेक्ट OTT पे रिलीज किया जा रहा है, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 24 नवंबर को रिलीज की जा रही है, जो मार्वल्स की फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली दूसरी सीरीज है, जो हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसके भी एक एक एपिसोड ही देखने मिलेंगे हर हफ्ते, तो वो बुरी खबर भी है। चलो, हमने कौन सा पैसा देना है, फ्री में तो देखना है, सही कहा ना। अगर आपने भी फ्री में ही देखना है तो नीचे कमेंट में बताना। नंबर 13 पे है Z5 की हिंदी क्राइम थ्रिलर हॉरर डार्क कॉमेडी वेब मूवी आफत-ए-इश्क, जिसे अभी कुछ दिन पहले Z5 ने ऑफिशियल रिलीज डेट पोस्टर के साथ अनाउंस कर दी, जो है इस महीने की 29 अक्टूबर को। और इसकी कहानी एक लड़की की होने वाली है जो अपने प्यार पे काला जादू करने वाली है। अभी ट्रेलर या टीजर नहीं आया है तो ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, लेकिन डार्क कॉमेडी हॉरर मूवी होने वाली है, तो इस मूवी के कैरेक्टर्स खुद डरते हुए हमें हंसाने वाले हैं। लेकिन आज तक मेरे लोगों पर मैंने सिर्फ उनकी दरिंदगी होते हुए देखी है। नंबर 12 पे है साईफाई एक्शन थ्रिलर फैंटेसी एडवेंचर मूवी ड्यून, जो अभी 15 अक्टूबर को थिएटर्स में और 22 अक्टूबर को HBO मैक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, और हिंदी में OTT पे देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, जो नवंबर के एंड तक कह सकते हैं कि रिलीज हो जाएगी OTT पे, जिसमें अमेजिंग VFX, अमेजिंग एक्शन और अमेजिंग का थ्रिल दिखने वाला है। अगर इस मूवी को देखना है तो असल HD में ही ओरिजिनल ऑडियो के साथ बेस वाले हेडफोन्स लगाकर ही देखना, नहीं तो इस मूवी को देखने का आधा मजा खत्म हो जाएगा। चप्पा, तुझे पता था ना काकर में नौटंकी आई है। नंबर 11 पे है हिंदी इमोशनल ड्रामा मूवी भवई, जिसका पहले नाम रावण लीला था और 1 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, अभी कंफर्म रिलीज डेट आई है, 22 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, और OTT पे डिज्नी प्लस और Z5 के साथ इसकी बात चल रही है, तो ये मूवी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 नवंबर तक हमें OTT पे देखने को मिल सकती है। अपने मम्मी डैडी को घर ले आना। नंबर 10 पे है हिंदी रोमांटिक कॉमेडी वेब मूवी हम दो हमारे दो, जो 29 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने जा रही है, और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इसकी कहानी 60-70% इसी साल Z5 पे रिलीज हुई विक्रांत मैसी की 14 फेरे से मिलती जुलती होने वाली है, जिसकी कहानी में सेम ही शादी के लिए लड़का नकली माँ बाप अरेंज कर रहा है। नंबर 9 पे है एप्पल TV की इंग्लिश साईफाई फैंटेसी एडवेंचर मूवी फिंच, जो 5 नवंबर को एप्पल TV प्लस पे रिलीज होने वाली है, जिसमें हॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट टॉम हैंक्स दिखने वाले हैं अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ, अपनी और अपने वफादार साथी की जान बचाते हुए नजर आने वाले हैं जब दुनिया का अंत हो रहा है। इस मूवी में हमें बेस्ट वाले VFX और टॉम हैंक्स हैं, तो कहानी के बारे में तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। Okay.
नंबर 8 पे है सोनी लिव की इस साल की बेस्ट होने वाली क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज टब्बर, जो अनदेखी और योर ऑनर का कॉम्बिनेशन होने वाली है, जिसमें पंजाब वाली साइड का तड़का लगाया गया है। अभी कुछ दिनों में ही 15 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है, जिसमें अमेजिंग एक्टिंग और कहानी है पंजाबी फैमिली की, जिनका एक गैंगस्टर्स के साथ पंगा हो जाता है। फिर बेचारे सब फैमिली वाले बचते बचाते फिर रहे हैं, लेकिन कैसे वो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाएगा इस सीरीज में, जिसको मिस करना तो दूर की बात, मैं तो रिलीज होते टाइम ही देखने वाला हूँ। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइए। और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म। नंबर 7 पे है फाइनली बहुत टाइम नहीं महीनों तक डिले पे डिले होने के बाद थिएटर्स में रिलीज होने जा रही सूर्यवंशी, जिसकी फाइनल रिलीज डेट जो अनाउंस हुई है वो है 4 नवंबर। अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि इस बार थिएटर्स ऐसे ही खुले रहें, ताकि इसके मेकर्स फिर से पैसों की चिंता करते हुए पोस्टपोन न कर दें। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मेकर्स ने ऐसी कसम खा ली है कि कोरोना खत्म होने तक सूर्यवंशी को हम रिलीज नहीं करेंगे, और जब थिएटर्स में रिलीज हो रही है तो OTT रिलीज डेट नवंबर के एंड में होगी, लेकिन उससे पहले फिंगर्स क्रॉस हैं थिएटर्स रिलीज डेट के लिए। हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट के पहले रिलीज होने वाली छोटी मनी हाइस्ट, मेरा मतलब हाइस्ट मूवी आर्मी ऑफ थीव्स से है, जो नेटफ्लिक्स पे 29 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है हिंदी डब में, जिसमें एक लड़की एक बैंक को लूटने के लिए एक टीम इकट्ठी करती है, लेकिन इसकी कहानी में और भी बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे जो बहुत थ्रिल के साथ दिखाए जाने वाले हैं। तो बेस्ट मूवी होने वाली है, जिसे मिस करना तो कतई ही अफोर्ड नहीं कर सकते। हर शहर की हर चोरी पर। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और हिंदी डब वेब मूवी रेड नोटिस, जिसमें 3 बड़े हॉलीवुड स्टार्स देखने को मिल रहे हैं। पहला है द रॉक मिस्टर ड्वेन जॉनसन, दूसरा है अभी अभी फ्री गाय मूवी फेम रायन रेनॉल्ड्स, जो खुद भी द रॉक के जैसे ही फुल एक्शन के लिए जाना जाता है, और तीसरी है वंडर वुमन गल गदौत। तो अभी और तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इस मूवी के बारे में, बस डेट नोट कर लो और इंतजार करो इस धमाका मूवी का, जिसका ट्रेलर हिंदी डब में यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो 12 नवंबर को वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स पे रिलीज की जा रही है। वो देखो हो रहे फ्रेंड मेरे पीछे, रोको उसे। नंबर 4 पे है जिसकी OTT हिंदी डब रिलीज का बहुत लोग पूछ रहे हैं, ड्वेन जॉनसन मींस द रॉक की फैंटेसी एडवेंचर मूवी जंगल क्रूज, जो अभी 12 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने जा रही है। वैसे मैंने इंग्लिश में देख ली है, और आपको भी इसे हिंदी में जरूर देखना चाहिए। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाली बेस्ट फीलिंग देती है ये मूवी, जिसमें बेस्ट वाले VFX के साथ बढ़िया कॉमेडी के साथ एक्शन देखने को मिलता है। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की सच्ची कहानी पे बेस्ड क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज नार्कोस मेक्सिको का सीजन 3, जिसके पहले 2 सीजन इंग्लिश और स्पेनिश में ही हैं अभी तक, लेकिन इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 90% उम्मीद है कि इसकी हिंदी डब जरूर की जाएगी, और इसका इंग्लिश टीजर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। और जैसे पहले भी नेटफ्लिक्स ऑफिशियली हिंदी ट्रेलर रिलीज नहीं करता है, तो ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा इसके हिंदी डब के बारे में, जिसकी रिलीज डेट है 5 नवंबर को, और इसका ऑफिशियल ट्रेलर नेक्स्ट मंथ 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, और तभी पता चल जाएगा कि नार्कोस मेक्सिको का फाइनल सीजन हिंदी डब में भी आएगा या ओनली इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 2 पे है हिंदी एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब मूवी सनक, विद्यु जम्वाल की रियल एक्शन टाइप ये बढ़िया मूवी 15 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने जा रही है, जिसमें फर्स्ट टाइम हिंदी मूवी में जैकी चैन के टाइप का असल वाला एक्शन देखने को मिलने वाला है। बाकी बॉलीवुड मूवीज की तरह नहीं कि मारा एक हाथ और 10 जाने उड़े एक साथ, इस मूवी का एक्शन थोड़ा हटके और कहानी थ्रिल से भरी हुई होने वाली है। ट्रेलर से तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे तो बहुत मजा आया ट्रेलर देखने में। नंबर 1 पे है लास्ट मंथ थिएटर्स में रिलीज हुई इंग्लिश साइफाई फैंटेसी मूवी फ्री गाय, जो अभी हिंदी डब में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 15 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है, जिसमें वीडियो गेम के अंदर वाले कैरेक्टर्स अपने आप को जिंदा मानने लगते हैं, और जैसे सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही ये सॉफ्ट इंसान हैं, जो सोच भी सकते हैं और डाटा डिलीट होने पे मर भी सकते हैं। तो आज की लिस्ट में इतना ही, बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।